बारह बारह रिप्शन दोनों हैंड से चेंज करके माना। अब तो वैसे ही हमारा दूसरा वेरिएशन बी बार कूल डाउन का है, शॉर्ट बी बार कूल डाउन के। पहला सेट हमारा लैट कूल डाउन का होगा, यहाँ से हम लैट कूल डाउन मारेंगे। केबल को इसको होगा ये यहाँ डालना है। तो हमारा वर्कआउट खत्म किया, अब देख हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज हम जिम में वर्कआउट की वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी दिनों से वर्कआउट वीडियो नहीं बना रहे थे, सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, तो आज लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी दिनों के, आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे रूटीन के हिसाब से आज हमारा बैक वर्कआउट है, तो आज हम बैक लगाएंगे। तो हम जो भी बैक वर्कआउट लगाते हैं डेली रूटीन के हिसाब से आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आप अगर न्यू हो, बिगनर हो, तो आप इस वर्कआउट को अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो, ये वर्कआउट करके एक अच्छा बैक बना सकते हो। तो फिलहाल बिना टाइम गवाए चलते हैं, अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी लेट हो चुका है आज, वैसे भी हम लेट आए हैं जिम में, तो बिना टाइम गवाए आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो गाइस, बैक की वर्कआउट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पुलअप्स मारेंगे, चिलिंग मारना बहुत ज़रूरी है बैक वर्कआउट के लिए। तो तीन सेट यहाँ से हम शुरू करते हैं पुलअप से, तीन सेट मारेंगे। तो गाइस, अब हमारा दूसरा सेट लैट पुल डाउन की, तो यहाँ से हम लैट पुल डाउन करेंगे। थोड़ा ज़्यादा वेट नहीं डालना है, कम वेट में मारना है। तो गाइस कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो वार्म अप के बाद सबसे पहला सेट हमारा लैट्स पुल डाउन का होगा, यहाँ से हम लैट्स पुल डाउन मारेंगे। रेंज ऑफ मोशन ये होना चाहिए, बैक लैट्स के मारना है। हर सेट में 12 रिपीटेशन मारना है भाई, 12 रिपीटेशन कंपलसरी मारना है। तो ये हमारा फर्स्ट वर्कआउट था, इसके बाद चलते हैं दूसरे वर्कआउट की तरफ। तो गाइस, ये हमारा दूसरा वेरिएशन बी बार पुल डाउन के है, शॉर्ट बी बार पुल डाउन के। ये सेकंड वेरिएशन है, इसके भी तीन सेट 12 रिपीटेशन लगाना है, तभी डालते हैं। तो ये परफेक्ट रेंज ऑफ मोशन ये होना चाहिए, तभी स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। इसके भी 12 रिपीटेशन हो गए, तब हम तीसरा वेरिएशन मारने के लिए जाएंगे। तो गाइस, अब हमारा थर्ड वेरिएशन सीटेड केबल रोइंग्स को होगा, ये यहाँ डालना है। बराबर रेंज ऑफ मोशन में मारना है, थोड़ा वेट कम करना है, ज़्यादा वेट में नहीं मारना है। तो देखते हैं अभी सीटेड रोइंग के तीन सेट लगाएंगे, जिसमें 12 रिपीटेशन होगा हमारा। तो बैठें, सबसे पहले पोजीशन अपना ठीक करें। तो ये ऐसे बैठ के, यस, इसके भी 12 रिपीटेशन हो गए गाइस, ये भी 12 रिपीटेशन मारना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा टाइट हो जाता है बॉडी, थोड़ा ज़्यादा वेट नहीं लेना, कम हल्के वेट में मारना है। अगर न्यू है तो, अगर आप न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो हल्के वेट में मारना। तो तीसरा वेरिएशन हमारा ख़त्म हो गया, अब चलेंगे हम चौथे वेरिएशन की तरफ। तो आज 5 से 6 वर्कआउट करेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। अभी चलते हैं चौथा वेरिएशन मारते हैं। तो गाइस, अब ये हमारा फोर्थ वेरिएशन है, जिसपे हम ये वर्कआउट करेंगे। तो हमेशा ज़्यादा वेट पे फोकस मत करना, जितना वेट आपसे हो सकेगा उतना ही मारना, ज़्यादा वेट से नहीं मारना। तो ये हमारा फोर्थ वेरिएशन है, इसके बाद और एक दो सेट मारेंगे, फिर अपना वर्कआउट ख़त्म कर देंगे। ये मारना है ऐसे, 12 रिपीटेशन मारना है, 2 3
ये हमारा चौथा वेरिएशन था। तो इसके बाद अब दूसरा वर्कआउट जाएंगे, छह वर्कआउट करेंगे हम लोग, छह वेरिएशन मारेंगे बैक के लिए। तो अब हमारा पांचवा वर्कआउट सिंगल हैंड डंबल रॉक करेंगे, उसके बाद दूसरा एक करके आज के वर्कआउट को खत्म करेंगे। तो गाइस ये हमारा पांचवा वेरिएशन है बैक वर्कआउट का, जो 25 किलो का डंबल चाहिए, 25 किलो डंबल से सिंगल हैंड डंबल्स रॉक करना है, सेम ऐसे खड़े होना है, ये इसके भी 12 रेप्स मारना है। बारह दोनों हैंड में, 12 रेप्स दोनों हैंड से चेंज करने के मारना है। अब इस पे 12 मारेंगे, तो ये हो गया हमारा पांचवा वेरिएशन खत्म हो गया। ये वाला हमारा पांचवा वेरिएशन था। इसके बाद लास्ट एक वर्कआउट करेंगे, फिर आज के वर्कआउट फिनिश करेंगे। ज़्यादा नहीं मारते क्योंकि 5 से 6 सेट डालो वही काफ़ी है, अगर नया हो तो। तभी चलते हैं, लास्ट वर्कआउट करते हैं। तो गाइस ये हमारा लास्ट वर्कआउट है, बैंट ओवर बार से मारेंगे। इसको 3 सेट मारना है, हम हर सेट का लास्ट सेट मारते हैं। इसके 3 सेट लास्ट मारना है, ये सेम ऐसे खड़े होना है, हम स्मिथ मशीन से मार रहे हैं। आप खाली रॉड से भी मार सकते हैं, खाली बार रॉड लेको से भी मार सकते हो, अभी फिलहाल हम लोग मशीन से मार रहे हैं। इसके भी 12 रेप्स मारना है। तो ये हमारा लास्ट वर्कआउट था, इसके बाद और वर्कआउट नहीं है। 6 सेट काफ़ी है, कोई भी वर्कआउट करते हो आप, उसके लिए 6 वर्कआउट काफ़ी है, ज़्यादा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मारने के लिए खाना पीना बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये वर्कआउट होने के बाद, तो आज के वर्कआउट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये 6 सेट अगर जब भी आप, मेरा रूटीन यही है, मैं जब बैक मारता हूँ तो बैक में ये वर्कआउट मारता हूँ, हर बार चेंज चेंज कर करके मारता हूँ। तो इस बार ये था, फिर नेक्स्ट ट्यूजडे कुछ अलग मारेंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं आफ्टर वर्कआउट बॉडी में कैसा पंप आया, बैक थोड़ा देखते हैं, अब देख के निकलेंगे घर। तो आफ्टर वर्कआउट कुछ बॉडी में इस तरह का पंप आया, अब चेक करते हैं। आज बैक का वर्कआउट कंप्लीट हो गया, तब जरा सा चेक कर लेते हैं बॉडी। तो ये आज की कंडीशन, तो आज के लिए वर्कआउट भाई इतना हुआ काफ़ी। तो अभी फिलहाल चलते हैं गाइस। तो आप लोगों को काफ़ी दिनों से हमारा वीडियो चैनल कुछ खास व्यूज़ नहीं आ रहा है, काफ़ी दिनों से वीडियो बंद था, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। तो गाइस थोड़ा प्यार दिखाओ, और चैनल डेड होने वाला है, थोड़ा सा चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो आज के वीडियो में जो भी हम दिखाए, अगर न्यू हैं आप, बिगनर हैं, तो ये वर्कआउट आप कर सकते हैं, आपके डेली रूटीन में आप डाल सकते हैं, अच्छा एक बैक बल्क करने के लिए। तो आज के वर्कआउट को यहाँ पर करते हैं ख़त्म। तो अभी चलते हैं, फिलहाल थोड़ा सा डाइट वाइट लेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गाइस, जो नए हो हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और आगे दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट डे।